मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और सीबीएसई बोर्ड के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन टॉपिक में से एक रेयरली क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। टॉपिक का मेन नेम है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। कि सपोज करो कि आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट कैसे चलेगा। ठीक, उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें मेटल के इंट्रोडक्शन पढ़नी पड़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, करंट रिलेशन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कंडक्टिविटी रिलेशन रिलैक्सेशन टाइम। तो आप इन टॉपिक्स को नोट करें, फिर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। कि सपोज करो कि यू हैव वन कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया इसका कितना है बेटे ए। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे कि इसकी वेलोसिटी u1, u2, u3, u4 एंड अप टू un तक। एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10^28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर होते हैं। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज V A into L। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चार्ज ये अच्छे से समझना, चार्ज होता है बेटे Q=N(E)। ऐसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। एक चार्ज का क्वांटाइजेशन Q=N(E)। तो इसका मतलब नेट चार्ज Q' या Q net एक चार्ज इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मतलब मैं कह दूं कि इस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है तो इतना चार्ज। ओके, इस एक कंडक्टर में इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है 10^4 से 10^5 मीटर पर सेकेंड है ड्यू टू इट्स थर्मल टेम्परेचर। नोट करो, शाबाश। अब इसके बाद अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब इस इलेक्ट्रॉन की इतनी स्पीड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं मेंटेन कर लेती। बात समझ में आ रही है कि इस इलेक्ट्रॉन की इतनी स्पीड है तो ये विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस इतनी इलेक्ट्रिसिटी या करंट क्यों नहीं बना लेती। देखिए ये क्या करता है,
एक इलेक्ट्रॉन यहां गया U1 स्पीड से, इससे कोलिजन किया U2, फिर इससे कोलिजन किया U3, फिर इससे कोलिजन किया U4। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से भागता जा रहा है और एटलीस्ट वो फाइनल इलेक्ट्रॉन फिर वापस उसी जगह पे पहुंच सकता है। तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया वापस आके यहीं पे आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हुई? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अप टू N क्या हो जाएगा? जीरो। एवरेज वेलोसिटी इसकी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके एक एंड से दूसरे एंड में बाहर नहीं जा रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर आके घूम फिर के फिर वापस आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये नोट करो, शाबाश। ये एक मेटालिक कंडक्टर की कंडीशन है। अगर ये कहीं इलेक्ट्रॉन घूमता रहता, अब हम वही करेंगे, देखिए टॉपिक का नेम दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VDSD। अब इसी कंडक्टर को दोबारा से देखिए, इस कंडक्टर को मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, इस तरफ से क्या मूव करना शुरू कर देगा बेटे? इलेक्ट्रॉन मूव किसने करना है? इलेक्ट्रॉन। इधर क्या है आपके पास? करंट। क्या है? करंट। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मेंटेन हुई, दैट इज E, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, E into L। ये फॉर्मूला कहां से बना था समझ लो, E K Q अपॉन में R स्क्वायर। V का फॉर्मूला था K Q अपॉन में R, R से आपने मल्टीप्लाई किया, R से डिवाइड, तो K Q अपॉन में R into R। ये क्या है बेटे? E। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? E into R। समझे? फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा है, यहां पे पॉजिटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक मोशन में चल, क्लियर? तो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो इसकी वेलोसिटी होती है वो 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड होती है। तो डेफिनेशन आ गई, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर अपोजिट टू द अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड
वेस्ट, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेस्ट। अब यहां पे देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन हुआ तो एक रिलेशन आपके पास क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका फोर्स क्या होगा, ई इनटू ई, आपने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कुछ थी और फाइनल वेलोसिटी ये है तो एक्सेलरेट ही करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये फॉर्मूला बन गया, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एम इंटू ए ई इंटू ई, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपके पास ई इंटू ई अपॉन में इतना उसके पास वेलोसिटी तैयार है, एक्सेलरेशन क्लियर। अब देखो स्पीड कम होने से क्या होगा, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने, देखिए अब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से गया। तो यहां पे एक डिस्प्लेसमेंट बनी, डिस्प्लेसमेंट बनी, तो यहां पे एक वेलोसिटी क्रिएट हो, दैट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक टाइम लग रहा है, अब एक टाइम बना, उस टाइम का नाम है बेटे रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम टॉ से निकालते हैं, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टॉ। मतलब क्या हुआ कि यहां एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, यहां से ये टकराया, तो दो कोलिजन हुए, इस कोलिजन के कारण यहां पे एक इंटरवल ऑफ टाइम क्रिएट होता है, दैट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसी रिलैक्सेशन टाइम के कारण ही एक कंडक्टर एक इलेक्ट्रिसिटी का कारण बनती है। फटाफट करो नोट करो बेटे, हम वाटर ऑफ इंडिया कर लें, शाबाश। नोट हो गया, अब देखिए यूजिंग इक्वेशन V इज इक्वल टू यू प्लस ए, V बन गया आपका VD, U बन गया एवरेज वेलोसिटी, A इनटू टॉप। एवरेज वेलोसिटी आपने अभी कैलकुलेट किया दैट इज जीरो, ए आपने अभी कैलकुलेट किया ई ई अपॉन में एम, तो यहां पे लगाओ वीडी, ये तो जीरो हो गया, ई ई अपॉन में एम इनटू टॉप, क्लियर। ये डायग्राम बेटे हर क्वेश्चन में बनाना, क्लियर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉप, ग्राफ ऐसा।
ठीक है, नोट करो शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तो ले लिया है, ई अपॉन में एम इनटू टॉ। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अभी हमने पढ़ा ना कि नेट चार्ज कितना है, एक का एन टोटल का क्या होगा, एक है। तो आप यही डायग्राम बनाएंगे, कंसीडर लिख लेंगे, मैं बता देता हूं। Consider a cross section area of conductor is A, length of the conductor is L, तो volume is equal to क्या आ जाएगा, A into L, volume क्या आ जाएगा, A into L, तो quantization of charge N into E, तो net charge N E A L, ठीक है। यहां से देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतना L डिस्टेंस, किस स्पीड से, vd से, तो t कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में t कितना आ गया बेटे, L अपॉन में vd। करंट कितना चल रहा है वायर के अंदर, I इज इक्वल टू q अपॉन में t, तो I q अपॉन में t, q क्या है नेट, q कितनी वैल्यू है n e a l अपॉन में t। अब I n e a l t की जगह पे क्या रख दें, l अपॉन में b d, अपॉन में b d तो ऊपर चला जाएगा, l से l कैंसिल, I की वैल्यू क्या है n e a b d। The required relation between current and drift velocity is this। नोट कर लो बेटे शाबाश। Conductivity of conductor कह सकते हो, और relation between conductivity and relaxation time, ठीक है। Suppose करो you have one conductor, this conductor connected with potential difference V is equal to E into L, एक इलेक्ट्रॉन force is equal to mass into acceleration, E into E, acceleration हो गया E upon me। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में आपने पढ़ा, पीछे जाएंगे टॉपिक के अंदर,
ओम्स लॉ, जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, ठीक है। चलिए सब कुछ लिखेंगे। कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ इज एल, एक्सेलरेशन इज ई, ये सब कुछ आपने अपने आप बनाना है बेटे। अब आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास के अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट बनाना सीखें। वी हैव करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए, वी हैव I N E A V D, where V D E E upon me M into top। तो यहां पे ये A इसके नीचे आ जाएगा I by A N E E E top upon me I upon me A क्या होता है J N E square E into top upon me J की value आपके पास क्या है sigma into E आपने बना रखा है। आप नीचे चलेंगे sigma into E, E से E कैंसिल, तो कंडक्टिविटी आई एन ई स्क्वायर टॉप अपॉन मी, तो कंडक्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। दूसरी तरफ वेयर कंडक्टिविटी 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या बन जाएगा उल्टा हो जाएगा m अपॉन में n e स्क्वायर इनटू tau, तो रिलेशन रेजिस्टिविटी के लिए रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन एक यहां से सॉल्व हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटे, रेजिस्टिविटी में कह दे, कंडक्टिविटी में कह दे, रिलैक्सेशन के साथ, तो आप ऐसे करेंगे। इसमें आप स्टेटमेंट जरूर बनाएंगे बेटे। इसके बाद इसमें लिखे मोबिलिटी, मोबी लिटी, मोबिलिटी किसी भी कंडक्टर की, चलो मैं समझाता हूं, सब चीजें यूज होने लगे। मोबी मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन में ई, ठीक है। वी डी आपने क्या निकाल रखा है, वी डी E E अपॉन में M इनटू टॉप अपॉन में E, ठीक है जी।
ई से ई कैंसिल, तो म्यू क्या है ई ई टॉप वन में, नोट करो। यूनिट बना लेंगे, यूनिट बनाना है बेटा आपको। शाबाश, नोट कर लो। क्लियर। नोट करने के बाद हम आगे चलेंगे इसमें। बहुत कठिन है, साथ साथ बेटे नोट्स बनाते रहना और करते रहना इसको। क्लियर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप अपनी बुक्स रेफरेंस एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इसके बारे में जो डाउट्स आते हैं आप मेरे से कंफर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।